ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय गुरु भाई एवं गुरु बहनों, सभी को चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक बहुत सुंदर कथा, शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक डोम और डोमिन का कथा है। आप लोग से निवेदन है कि यह कथा को, यह शिव चर्चा को पूरे अंत तक सुनिएगा, अधूरा मत सुनिएगा, कि आपका पूरा ज्ञान हो। एक डोम डोमिन का एक सुंदर कथा है। चलिए प्रिय बहनों, आप लोग से निवेदन है कि मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, कहानी को शुरुआत करता हूं। एक समय की बात है कि किसी एक गांव में एक डोम और डोमी रहती थी। डोम वह शमशान घाट पर काम करता था और डोमिन बेचारी अपना शुभ मौनी गांव गांव जाकर बीतती थी। उसका एक डोम डोमिन का एक सुंदर बच्ची भी थी। एक दिन की बात है कि वह डोमिन ने किसी गांव में सूप बेचने के जा रही थी, बेटी से कही, बेटी तुम घर पर रहना, मैं जा रहा हूँ सूप मोहनी बेचने के लिए और सूप मोहनी बेचकर शाम के लौट जाऊँगा। वह डोमिन ने एक दिन गया एक बड़ा गांव में, जिस गांव में ब्राह्मण राजपूत यानी सर्वे जात, जितने भी जात था उस गांव में रहता था। उस गांव में गया तो देखा एक ब्राह्मण के यहाँ एक शिव चर्चा हो रहा है। शिव चर्चा हो रहा था कि डोमिन को सुनने में बहुत आनंद आया। शिव चर्चा को वो डोमिन बैठकर शिव चर्चा को आराम से सुनना शुरू कर दिया। शिव चर्चा सुन रही थी। जब शिव चर्चा खत्म हुआ तो प्रसाद लेकर वह डोमिन ने अपना घर पर आया। जब घर पर आती है शाम के, डोमिन का पति आते हैं तो रात में डोमिन बोलती है अपने पत्नी पति से कि हे स्वामीनाथ, हमें शिवचर्चा कराने का हमें बहुत मन है, हमें भी शिवचर्चा कराना चाहिए। तो डोम बोलता है अपना पत्नी से कि हे पत्नी, हे रानी, अगर शिव चर्चा कराओगे तो तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम नीच जाति का हूँ, मैं डोम जाति का हूँ, इसलिए हमारे घर पर कोई शिव चर्चा करने के लिए नहीं आएगा। तो पर भी यह डोमिन कहती है, गुरु भाइयों, यह मन में ठान ली कि हमें शिव चर्चा कराना है तो कराना है। यह अपना पति से कहकर कहता है कि तो सुबह में जितने भी शिव चर्चा का सामान है, पूजा का सामान है, आप ला दीजिए, हम शिव चर्चा कराएंगे। तब वह डोमिन कल होकर के पूजा का पूरा सामान लाता है और शिव चर्चा के लिए तैयार हो जाता है। और सुबह में उसका बच्ची, डोमिन का बच्ची है, जाती है कहने के लिए सभी गांव में। बहुत सुंदर सी प्यारी सी बच्ची थी डोमिन का, वह कहने के लिए जाती है बड़े घर गांव में, जहां राजपूत ब्राह्मण जो भी सभी लोग, बड़े बड़े जाति लोग रहते थे, सभी जाति के यहाँ यह कह दिया। सब कहा कि हाँ ठीक है, शिव चर्चा में आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शिव चर्चा है, बहना गुरु बहना हमारे यहाँ चले आइएगा। सभी जाति का लोग डोमिन के यहाँ शिव चर्चा करने के लिए चला आया। जब शिव चर्चा होना शुरू हो जाता है डोम के यहाँ, बहुत धूमधाम से उसे चर्चा होता है। और शिव चर्चा करते ही करते जितना ब्राह्मण राजपूत जो बड़े लोग के जाति के लोग थे, सब सोचने लगे कि किस जाति का घर है। घर देखे झोपड़ा तोपड़ा, इसलिए पूछने लगे। ताऊ उसके गोतिये में
डोम का डोमिन का गोतनी सब गोतिया में आया हुआ था, सब उसने से पूछने लगे कि कौन जाति का ये घर है। तो बताया कि हम भी डोम हैं, ये हमारा गोतिया है, गोतिया ये भी डोम है, डोम जाति का हम लोग हैं। यह सुनकर सब बड़े घर का जो लोग आए हुए थे, ब्राह्मण राजपूत बाभन जितने घर का वो लोग आए हुए थे औरतवानी, सब क्या किया कि झटपट पूजा पाठ किया, शिव चर्चा करवाया। शिव चर्चा खत्म होते ही बिना प्रसाद लिए हुए यहाँ से सभी का औरत चले जाती है। गुरु बहना जब चले जाती है तब यह बेचारी डोमिन थी रोना पिटना शुरू कर दिया कि प्रसाद लेकर जाइए, लेकिन कोई भी प्रसाद नहीं लिया है, कोई भी डोमिन का बात नहीं मानी। प्रसाद तो टोटल बच गया, जितने ही प्रसाद लाया था, किन किन की बेचारी गरीब बेचारी थी, सारा प्रसाद बच गया। जब सारा प्रसाद बच जाती है तो जा करके जहाँ शिव चर्चा होता है, जहाँ पर जा करके यह डोमिन ने रोना शुरू कर दिया। जब रोने की आवाज़ सुनते हैं तब भगवान भोलेनाथ ने सुनते हैं कि यह गरीब के पास कोई प्रसाद नहीं खाया है नीच जाति मान करके, इसीलिए सुन करके वह भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण के रूप धारण करते हैं, ब्राह्मण के रूप धारण कर करके और पहुंच जाते हैं वह डोमिन के पास। डोमिन के पास जब पहुंचते हैं कहता है गुरु बहना कि माली खोलिए, इतना आवाज जब डोमिन सुनते हैं कहता है कौन है, कि माली खोल के देखता है तो देखते हैं कि ब्राह्मण। कहता है ब्राह्मण देवता आप हमारे दरबार पर आए हैं, हमने शिव चर्चा कराए हैं, हमारा जितने भी उच्च जाति का लोग था हमें डोमिन समझ करके कोई प्रसाद नहीं लिया, सारा प्रसाद हमारा बच गया है। बाबा कहे कोई बात नहीं बच्ची, एक काम कीजिए प्रसाद हमें खिला दीजिए, हम आपका प्रसाद प्रेम से खाएंगे। वह बाबा को प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि इतना सारा प्रसाद बच गया है बाबा, आप क्या करें। तब ब्राह्मण बोलते हैं कि एक काम कीजिए, तुम्हारे पास सुअर जो है वो प्रसाद सुअर को दे दीजिए। वह डोमिन बोलती है कि हमारे पास कोई सुअर नहीं है बाबा, मैं बहुत सब सफाई में रहता हूँ, तय तो पर भी हमारे यहाँ कोई भोजन नहीं किया। इतना बात सुनकर कह गया तू बुलाओ, तो सुअर को बुलाता है तो देखता है कि बहुत सा सुअर, कह देखो सुअर ढेर सा सुअर चलाया है, सब प्रसाद सुअर को खिला दो। अय्या कहकर ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद अंतर्यामी हो जाते हैं ब्राह्मण, जो भगवान भोलेनाथ थे ब्राह्मण के रूप में अंतर्यामी हुए चले जाते हैं। और यह डोमिन जाके पूरे प्रसाद को सुअर को खिला देती है, जब सुअर खा लेती है खाने के बाद वह सुअर चले जाता है ब्राह्मण के घर, राजपूत के घर और बड़े बड़े जातियाँ का जो नहीं आया था सभी घर जाता है और सबके घर में खाना शुरू कर देता है, सब बर्तन बाजी जुटाना शुरू करता है और बंद भी रहता है किवाड़ी, सब डर के मारे सुअर देख करके किवाड़ी सब बंद कर दिया, बंद भी था तो दीवार छलप छलप कर जा करके और सबको खाना को जुटा जाता था, घर में हल देता था, एकदम तबाही तबाही मचा दिया, पूरा गांव एकदम सुअर से भर गया, ऐसे पूरे गांव तबाही तबाही होना शुरू गया। तब सोचने लगा कि क्या बात है जो कभी हमारे गाँव में सुअर नहीं आता था और इतने सुअर कहाँ से आता है हमें पता नहीं है। यह सुनकर सब मन में ही मन सोचना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण जाति में एक बुजुर्ग लोग थे, जो बुजुर्ग थे जो बोले कि कहीं ना कहीं हम लोग से कुछ गलती हुई है हुआ है, इसी कारण से यह सुअर आ रहा है। सोचते सोचते वह कहा कि हाँ एक दिन आप लोगों ने जितने भी थे ऊंच जातिया को लोग, जितने ऊंच जाति का लोग थे
जो गए थे डोमिन के यहाँ शिव चर्चा कराने के लिए, प्रसाद नहीं लिए थे, प्रसाद बिना लिए हुए घर पर लौट गए थे। इसी कारण से लगता है कि हमारे घर में यह सुअर आ रहा है और तबाही मचा रहा है। यह सोचकर एक दिन डोमिन के यहाँ कहा कि गुरु बहना फिर से तुम शिव चर्चा कराओ, मैं तुम्हारे घर आऊँगा और सब प्रेम पूर्वक भोजन करूँगा, प्रसाद खाऊँगा। यह सुनकर डोमिन बहुत खुश होती है और फिर से शिव चर्चा कराती है। शिव चर्चा कराती है तो सब प्रेम से जितने भी ऊँच जाति के लोग थे उस घर में प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रसाद खाते हैं। ऐसे डोमिन फिर धन धन बन जाती है। इसी के साथ यह कहानी के समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। अगर आप लोग का यह कहानी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल घंटे को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए कहानी को डालेंगे, नए नए कथा को डालेंगे, आप लोग तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। और कमेंट में लिखिएगा और लोगों के पास जितने भी गुरु भानाथ गुरु भाइयाँ हैं सभी के पास इस शिव चर्चा कथा को शेयर कर दीजिएगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।